नमस्कार, KIA में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं निदेशक गुंजन ग्रुप ऑफ कंपनीज, नव निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती हर्षिता सिंह जी के पति श्रीमान इंजीनियर सुमित प्रताप सिंह जी से। सुमित जी, क्या आप संदेश या शुभकामनाएं देना चाहेंगे जनता को, और किस तरीके से आप श्रीमती हर्षिता जी को सपोर्ट करेंगे क्या उनके काम में, और कैसे आगे जनता के लिए, फिरोजाबाद की जनता के लिए आप किस तरीके से आगे काम करने का, आपने क्या नीतियां हैं या किस तरीके का प्लान है आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं जनपद फिरोजाबाद के सभी नागरिकों का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने हम लोगों को मौका दिया है सेवा करने का। जिले के सभी नवनिर्वाचित जिला पंचायत 33 सदस्यों का, उनको साथ लेके चलेंगे हम लोग। जिले में जितना भी विकास हम लोग से संभव होगा ग्रामीण अंचलों में, वो हम लोग कराएंगे। हम लोगों का, पूरे परिवार का जीवन जनता के लिए समर्पित है। हम लोगों का भाव यही रहता है कि जनता का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके, उसके लिए जो भी प्रयास हम लोग कर सकेंगे। अब अध्यक्ष पत्नी हर्षिता सिंह हैं, उनके द्वारा जो भी काम जनता के हो सकेंगे सारे कराएंगे, और जो भी हर संभव मदद जनता को चाहिए होगी हर उम्मीद पर उनकी खरा उतरने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले धन्यवाद मैं पार्टी के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी करना चाहूँगा, जिन्होंने हम लोगों को ये मौका दिया जनता के बीच जाकर जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का। प्रदेश के अध्यक्ष जी सुरनदेव सिंह जी का, प्रदेश संगठन महामंत्री आदरणीय सुनील बंसल जी का, समस्त जिले के कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, जिनका विशेष रूप से इस चुनाव में सबका सहयोग रहा था। और आगे भी जो भी योजनाएँ आदरणीय मोदी जी की, तो केंद्र सरकार की होंगी, प्रदेश सरकार की आदरणीय योगी जी की सरकार की होंगी, उनका लाभ जन जन तक पहुंचाना है हम लोगों को। आने वाले 2022 में चुनाव लगभग 6 महीने बचे हैं, 6-7 महीने बाद होना है, उस योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनानी है। टारगेट हम लोगों का 350+ का है इस बार, जो मुझे लगता नहीं है कहीं से भी दूर रहेगा। जैसे अभी कल ही आपने देख लिया, 75 में से 67 सीटों पर हम लोगों ने कब्जा किया है, उससे साफ साफ ये संदेश जाता है प्रदेश की जनता आदरणीय योगी जी के नेतृत्व को पसंद कर रही है, आगे भी द्वारा उनको मुख्यमंत्री बनाएगी, इसमें मुझे लगता है कोई दोराय है नहीं। और कुछ लोगों को गलतफहमी भी हो गई थी, खासकर फिरोजाबाद जनपद में, कि समाजवादी के कुछ थोड़े बहुत सदस्य कैसे भी जीत गए थे, उनको ये गलतफहमी हो गई थी 2022 में धमकी देना भी शुरू कर दिए थे कि हमारी सरकार बन रही है, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो उनको मैं साफ साफ संदेश देना चाहता हूँ, सरकार आदरणीय योगी जी की बनेगी और कोई लाने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बेबाकी से जवाब दिया है सुमित प्रताप सिंह जी ने, और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से वो अपनी धर्मपत्नी श्रीमती हर्षिता सिंह जी को सपोर्ट करते हुए फिरोजाबाद की जनता के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। KIA न्यूज एजेंसी को YouTube पर सब्सक्राइब करें और Facebook पर फॉलो करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली खबर का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।